नमस्कार मैं हूं शशि आइए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और दो बच्चे कोरोना संक्रमित सीएम हाउस में पंद्रह कोरोना संक्रमित मिले झारखंड के मुख्यमंत्री आवास में कोरोना वायरस की एंट्री हो गई है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन समेत पांच लोग संक्रमित पाए गए हैं बता दें शनिवार तक सीएम आवास में पंद्रह लोग के संक्रमित पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया है आनंद फारण में मुख्यमंत्री आवास में बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बना गुप्ता भी खुद कोरोना से संक्रमित हो गए हैं बताया जा रहा है कि महज दो दिन में मुख्यमंत्री आवास में पंद्रह लोग संक्रमित पाए गए हैं जिन लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है उनमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और उनके दोनों बच्चे शामिल हैं बता दें मुख्यमंत्री आवास के सेवक कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी को भी संक्रमण की पुष्टि हुई है स्वास्थ्य मंत्री सहित कई पदाधिकारी संक्रमित एक्टिव केस बीस हजार के पार राज्य सरकार के पूरा स्वास्थ्य महकम्मा कोरोना से संक्रमित हो गया है स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता शनिवार को कोरोना संक्रमित पाए गए इससे पहले विभाग के अपर मुख्य सचिव सहित कई पदाधिकारी चिकित्सा पदाधिकारी तथा कर्मी कोरोना के चपेट में आ चुके हैं बता दें शनिवार को भी राज्य के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में संक्रमित की पहचान हुई इससे एक्टिव केस की संख्या अब बीस हजार के पार हो चुकी है स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने सर्दी खांसी की समस्या के बाद कोरोना की जांच कराई थी जिसमें शनिवार को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है परीक्षा पे चर्चा करेंगे पीएम मोदी छात्रों शिक्षकों अभिभावकों के लिए 20 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल की तरह इस बार भी छात्रों से परीक्षा पे चर्चा करने वाले हैं कार्यक्रम में नौवीं से बारहवीं तक के छात्रों के अलावा उनके शिक्षकों और अभिभावकों को भी शामिल होने का मौका मिलेगा बता दें इसके लिए 20 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन कराकर ऑनलाइन प्रतियोगिता में भाग लिया जा सकता है इस संबंध में जिला शिक्षा अधीक्षक ने सभी बीईओ को स्कूलों में जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया प्रधानमंत्री फरवरी माह में देश भर के छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों से ऑनलाइन संवाद करेंगे बता दें छात्र शिक्षक और अभिभावकों को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए डब्लू पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा झारखंड में 125 हाई स्कूल को प्लस टू में किया जाएगा अपग्रेड राज्य के 125 हाई स्कूल को प्लस टू स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा स्कूली शिक्षा व सक्षता विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है अगले कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मंजूरी मिल जाने की पूरी संभावना है बता दें राज्य में पूर्व से पाँच प्लस टू स्कूल हैं एक हाई स्कूलों के प्लस टू में अपग्रेड होने पर राज्य में छः प्लस टू स्कूल हो जाएंगे इन स्कूलों में ग्यारहवीं में नामांकन शैक्षणिक सत्र 2022-23 से शुरू हो जाएगा शिक्षकों की उपलब्धता के अनुसार इंटरमीडिएट के तीनों संकायों में नामांकन होगा और पढ़ाई भी शुरू होगी वाहन और मास्क चेक इन अभियान में एक लाख सतहत्तर हजार का जुर्माना रांची जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार को शहर के विभिन्न चौक चौराहों चो पर जांच अभियान चलाया अधिकारियों ने करमटोली चौक पर संयुक्त जांच अभियान चलाकर अनाधिकृत रूप से नेम प्लेट का उपयोग कर रहे तथा बिना मास्क के वाहन चलाने वाले वाहनों के चिन्हित कर मोटर वाहन अधिनियम की धारा एक के तहत दंड शुल्क वसूला अभियान के दौरान वाहन संबंधित कागजात जैसे प्रदूषण प्रमाणपत्र बीमा लाइसेंस की जांच की गई इसमें इक्कीस वाहनों से एक लाख सतहत्तर हज़ार एक सौ पचास रुपये जुर्माना के तौर पर वसूले गए पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा और पेंशन योजना जल्द झारखंड सरकार पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ साथ पत्रकार पेंशन योजना को लागू करने के लिए गंभीर है शनिवार को इस विषय पर झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक शहनवाज हासन ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की सहायक निदेशक शालिनी वर्मा से विस्तार से चर्चा की बता दें शालिनी वर्मा ने बताया कि इस माह के अंत तक विभाग द्वारा तैयारी पूरी कर ली जाएगी पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए विभाग द्वारा टेंडर प्रक्रिया की तैयारी पूरी कर ली गई है झारखंड के सभी पत्रकारों का स्वास्थ्य बीमा फरवरी माह से लागू हो जाएगा जिसमें बीमा के लिए वार्षिक प्रीमियम का दस प्रतिशत पत्रकार देंगे एच कामगारों ने प्रबंधन की अपील की खारिज उत्पादन ठप एच के कामगारों ने प्रबंधन की अपील को ठुकरा दिया है और शनिवार को प्लांटों का उत्पादन ठप कर दिया है बता दें प्लांटों के कुछ शॉपों में दोपहर तक काम हुआ लेकिन दोपहर के बाद पूरी तरह उत्पादन ठप हो गई कामगारों का कहना है कि प्रबंधन ने अपील की है अपील में स्पष्ट नहीं है कि सात माह के बकाया का भुगतान कैसे होगा प्रबंधन को यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करना चाहिए था वार्ता के बाद समझौता कर आदेश जारी करना चाहिए लेकिन प्रबंधन ने अपील जारी कर कुछ कामगारों के दिग्भ्रमित किया है इसका विरोध होगा कामगारों ने प्रबंधन के अपील की प्रति भी जलाई और सोमवार को एचईसी मुख्यालय का घेराव करने का घोषणा की सीएम हेमंत का सोशल मीडिया पर एक दिन का एक लाख पच्चीस हजार और महीने का छत्तीस लाख खर्च झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर आरटीआई से बड़ा खुलासा हुआ है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जवाब में यह बताया गया है कि सीएम हेमंत सोरेन सोशल मीडिया पर करोड़ों खर्च कर रहे हैं इसके लिए एक निजी कंपनी को हायर किया गया है यह कंपनी साल 2021 से सीएम के ट्विटर फेसबुक समेत अन्य सोशल मीडिया पेज हैंडल कर रही है बता दें कंपनी से इसके लिए तीन साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है इसके लिए तेरह करोड़ चौदह लाख रुपए कंपनी को भुगतान किया जाएगा इसमें से पैंसठ लाख रुपये कंपनी को काम शुरू करने से पहले ही भुगतान कर दिया गया है मंत्री चंपई सोरेन आईसीयू बेड का किया शिलान्यास बनेगा सौ बेड का अस्पताल झारखंड के आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने सराय किला नगर पंचायत में लगभग दो करोड़ की लागत से पंद्रह योजनाओं व स्वास्थ्य विभाग द्वारा सदर अस्पताल में लिफ्ट व छः आईसीयू बेड का शिलान्यास किया है बता दें मौके पर संबोधित करते हुए मंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि सराय किला की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है यहाँ का छ नृत्य विश्व प्रसिद्ध है यहाँ एक सौ बेड का अस्पताल का निर्माण किया जाएगा इसके लिए जल्द ही जमीन चिन्हित कर सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा झारखंड में शुक्रवार को अड़तीस मरीज मिले जबकि आठ स्वस्थ भी हुए हैं झारखंड में शुक्रवार के आंकड़े के अनुसार कुल एक्टिव केस की संख्या सत्रह है भारत में एक लाख हजार चार सौ पचहत्तर नए केस मिले हैं जबकि सैंतीस हजार दो सौ तीस मरीज स्वस्थ भी हुए भारत में कुल एक्टिव केस की संख्या पांच लाख बयासी हजार दो सौ साठ है झारखंड की आज की कोरोना अपडेट जानने के लिए शाम पांच बजे का वीडियो देखना ना भूले धनबाद में पीएम मोदी और दीपक प्रकाश को गाली देने पर सियासी तूफान भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने धनबाद की घटना को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है आदित्य साहू ने कहा कि धनबाद में भाजपा के कार्यक्रम में एक युवक द्वारा देश के प्रधानमंत्री व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को गाली दी गई उस युवक पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की लेकिन भाजपा कार्यकर्ता पर एफआईआर दर्ज हो गया इससे स्पष्ट है कि इस घटना के पीछे भी एक सोची समझी साजिश है तंज कसते हुए कहा गया कि क्या गाली देने वाला युवक एक अल्पसंख्यक समुदाय विशेष से आता है इसलिए मुख्यमंत्री चिंतित हो गए क्या राज्य के अन्य समुदाय के लिए सरकार का कोई धर्म नहीं है झारखंड के 16 जिलों में 113 नक्सली पुलिस के सिरदर्द राज्य के चंद पड़े नक्सली ही पुलिस के लिए सिरदर्द बन गए हैं बता दें छुप कर वार करते हैं और पुलिस को लगातार चुनौती देते हैं राज्य पुलिस की सूची के अनुसार सिर्फ 113 नक्सली ही वांटेड हैं जिन पर करोड़ों के इनाम है अब झारखंड पुलिस भी इन मुठ्ठी भर नक्सलियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने जा रही है बता दे जिसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है अब लक्ष्य निर्धारित कर इन नक्सलियों के खिलाफ जोरदार अभियान चलेगा झारखंड में आज से बारिश अलर्ट जारी राजस्थान में बने पश्चिमी विक्षोभ का असर शनिवार से झारखंड में दिख रहा है बता दे इस दिन आकाश में बादल छाया रहा वहीं रविवार से राज्य के कई इलाकों में बारिश हो सकती है ग्यारह जनवरी की रात या बारह को पूरे राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने लगेगा इससे करीब करीब पूरे राज्य में बारिश हो सकती है मौसम केंद्र के अनुसार 9 जनवरी को राज्य के गढ़वा पलामू लातेहार लोहरदगा गुमला खूंटी और रांची में बारिश हो सकती है वहीं 10 और 11 जनवरी को सिमडेगा पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम सरायकला खरसावा चोर सभी जिला में बारिश का अनुमान है झारखंड में ओमिक्रोन को लेकर संशय देश में एक और नए वेरिएंट ओमिक्रोन को लेकर दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं वहीं झारखंड में स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर अभी तक संशय की स्थिति में है क्योंकि अब तक यहाँ ओमिक्रोन की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है हालांकि राज्य में जिस तरह संक्रमण फैल रहा है उसे विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह ओमिक्रोन हो सकता है संशय की स्थिति होने से ओमिक्रोन पर स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेश और गाइडलाइन को जारी नहीं किया जा पा रहा है बता दें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ओमिक्रोन की पुष्टि हो जाती तो इसके हिसाब से ठोस रणनीति बनाने में मदद मिलती नक्सलियों ने झारखंड के बिशुनपुर में 27 गाड़ियों को जलाया गुमला के बिशुनपुर प्रखंड के गुरदरी थाना क्षेत्र अंतर्गत कुजाम स्थित एन के सी पी एल के बक्साइड माइंस में भागपा माओवादी सीपीआई के द्वारा शुक्रवार की शाम हमला कर दिया गया बता दें लगभग एक घंटे तक तांडव मचाते हुए 27 वाहन एवं मशीनों को आग के हवाले कर दिया जबकि मौके पर उपस्थित कर्मी के साथ मारपीट भी किया गया बता दें घटना के संबंध में माइंस के सुपरवाइजर राम प्रवेश सिंह ने बताया कि शुक्रवार की शाम लगभग 25 से 30 की संख्या में भाकपा माओवादी के सदस्य पहुँचे राष्ट्रीय बागवानी मिशन में फर्जीवाड़ा का मामला राष्ट्रीय बागवानी मिशन की एफडी योजना में चौदह किसानों से ठगी का मामला सामने आया है बता दें आरोप है कि इस मामले में किसानों से योजना का लाभ देने के नाम पर डेढ़ डेढ़ लाख रुपए वसूले गए लेकिन अब तक ना तो किसानों को योजना का लाभ दिया गया और न ही डेढ़ लाख रुपए वापस किए गए इसके बाद किसानों ने गोंदा थाना में शिकायत दर्ज कराई है बता दें शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है आरोग्य दूत बनकर सहपाठियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेंगे छात्र जे जिला शिक्षा परियोजना और तकनीकी पार्टनर सेंटर फॉर कैटलाइजिंग के सहयोग से स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम के तहत शिक्षकों का प्रशिक्षण अंतिम चरण में पहुंच गया है अब स्कूलों में आरोग्य दूत का चुनाव किया जाएगा जो अपने सहपाठियों के बीच स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता कार्यक्रम संचालित करेंगे बता दें ये आरोग्य दूत छठी से बारहवीं तक के दो दो छात्र होंगे सभी वर्ग से एक छात्र और एक छात्रा का चयन किया जाएगा जिन्हें आरोग्य दूत प्रशिक्षित करेंगे आरोग्य दूत के चयन के लिए जे की ओर से सभी जिलों के डीईओ को शुक्रवार को ही पत्र लिखकर जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है बता दें 16 जनवरी तक छात्रों को चयन कर सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है कोरोना से जंग के लिए करें 60 दिन की तैयारी राज्य में संक्रमण की रफ्तार तेजी से हो गई है बता दें पहले स्वास्थ्य विभाग का अनुमान था कि 15 जनवरी तक एक्टिव मरीजों की संख्या बीस हजार के पार कर जाएगी लेकिन जो स्थिति है उससे पहले ही यह आंकड़ा पार कर गई बता दें इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने राज्य के सभी डीसी को जिलों में उपचार की व्यवस्था सुदृढ़ करने का निर्देश दिया इसमें कहा गया है कि अगले साठ दिनों की जरूरतों का आकलन कर सभी तैयारी सुनिश्चित की जाए ताकि मरीजों की संख्या बढ़ने पर समस्या नहीं हो झारखंड में मॉक ड्रिल अभ्यास सुनिश्चित करें अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आधारभूत संरचनाओं की संभावित जरूरतों को देख कोविड बेड तथा संबंधित संसाधनों का आकलन महत्वपूर्ण है सरकारी कोविड अस्पताल में उपलब्ध ऑक्सीजन बेड ऑक्सीजन कंसनट्रेटर पी प्लांट सिलेंडर आई बेड आदि का समुचित उपयोग हो साथ ही प्रशिक्षण पैरामेडिकल चिकित्सक एवं अन्य मानव संसाधनों का समुचित उपयोग के लिए हर समय उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करें सभी चिकित्सा संस्थानों में मॉक ड्रिल अभ्यास सुनिश्चित करें टाटा स्टील कर्मचारियों को एक हजार रुपये मूल का न्यूज टाटा क्वाइन देगी टाटा स्टील के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है बता दें टाटा स्टील के भारतीय परिचालन टी एस के एम सहित सभी कर्मचारियों को एक हजार रुपये मूल का न्यूज टाटा क्वाइन मिलेगा टाटा बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल में टाटा स्टील ने वर्ष दो की समीक्षा में नया बेचमार्क हासिल करते हुए सात सौ पचपन पॉइंट अर्जित किया है ऐसे में टाटा स्टील प्रबंधन अपने इंडियन ऑपरेशन में कार्यरत सभी कर्मचारियों को एक हज़ार रुपये न्यू क्वाइन सराहना राशि के रूप में देगी भारतीय महिला जूनियर हॉकी के राष्ट्रीय कैंप के लिए सिमडेगा की छह महिला हॉकी खिलाड़ियों का चयन झारखंड हॉकी के लिए नया वर्ष 2022 बड़ा तोहफा लेकर आया है बता दें नए वर्ष के आगमन के साथ ही झारखंड के सिमडेगा जिले की छः महिला हॉकी खिलाड़ियों का चयन भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप के लिए हुआ है ये सभी छः खिलाड़ी सिमडेगा जिला के सुदूरवर्ती गांव की हैं एक साथ झारखंड की छः खिलाड़ियों का चयन हुआ है इससे पूर्व भी दिसंबर दो के अंतिम सप्ताह में ही झारखंड की छः महिला हॉकी खिलाड़ियों का चयन सीनियर भारतीय टीम के राष्ट्रीय कैप में हुआ था गोड्डा में बनेगा ईवीएम भारत भारत निर्वाचन आयोग भारत निर्वाचन आयोग आयोग निधि स्वीकृति ने झारखंड के गोड्डा जिले में पांच करोड़ की लागत से ईवीएम वेयर हाउस निर्माण की स्वीकृति दी है भवन निर्माण विभाग ने ईवीएम वेयरहाउस के लिए टेंडर निकाल दिया है 28 जनवरी तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी एवं ईवीएम वेयर हाउस का निर्माण कार्य चालू किया जाएगा बता दे ग्यारह महीने के अंदर यह ईवीएम वेयर हाउस तैयार हो जाएगा झारखंड में पांच दिनों में ग्यारह प्रतिशत किशोरों का टीकाकरण पंद्रह से अठारह वर्ष के किशोरों का टीकाकरण शुरू होने के बाद झारखंड में पांच दिनों में ही ग्यारह प्रतिशत को वैक्सीन लग चुकी है बता दें इस आयु वर्ग के तेईस लाख अंठानबे हज़ार लोगों को वैक्सीन लगनी है जिसमें शनिवार तक तीन लाख से अधिक को वैक्सीन लग चुकी हालांकि राज्य के पंद्रह जिले ऐसे हैं जहां राज्य औसत ग्यारह प्रतिशत से कम टीकाकरण इस आयु वर्ग का हुआ है इनमें रांची भी शामिल है झारखंड में मुश्किल है अभी जिनोम सिक्वेंसिंग मशीन राज्य सरकार ने रांची स्थित रिम्स में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब स्थापित करने हेतु मशीन खरीदने का आदेश तो जारी कर दिया है लेकिन कोरोना की वर्तमान लहर में राज्य में ही जीनोम सीक्वेंसिंग होना मुश्किल लग रहा है बता दे रिम्स में यह मशीन लगाने में चालीस से पैंतालीस दिन लगाने की संभावना जताई जा रही है तब तक राज्य में कोरोना की वर्तमान लहर ढलान पर होगी ऐसे में ओमिक्रोन की पहचान के लिए राज्य को भुवनेश्वर स्थित आईएलएस पर ही निर्भर रहना होगा प्राथमिक शिक्षकों को प्रोफाइल अपडेट करने का निर्देश प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों का प्रोफाइल अपडेट कराने का निर्देश दिया गया है बता दें जिला शिक्षा अधीक्षक कमला सिंह ने सभी क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर प्रारंभिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों का ई विद्या ऐप में शिक्षक प्रोफाइल अपडेट करने का निर्देश दिया है उन्होंने पत्र में कहा है कि पूर्व में इस संबंध में निर्देश दिया गया था लेकिन अभी तक सभी शिक्षकों द्वारा ई विद्या में अपना प्रोफाइल अपडेट नहीं किया गया यह निराशजनक है उन्होंने तीन दिनों के अंदर सभी शिक्षकों और पारा शिक्षकों को प्रोफाइल अपडेट करने का निर्देश दिया है साथ ही ऐप में अपना प्रोफाइल अपडेट करने के बाद उसकी प्रिंट कॉपी डीएसपी कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया है धन्यवाद कोरोना की बढ़ती मामला को देखते हुए आपके पास कोरोना के रोकथाम के लिए क्या सुझाव है हमें आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें क्या राज्य सरकार को झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन लगाना चाहिए या संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए इसके बारे में भी अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर शेयर करना ना भूले साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू